वेलकम बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग। तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे और यूनिट डायमेंशन में काफ़ी कुछ हम लोग सीख लिए थे, मास का कन्वर्जन, लेंथ का कन्वर्जन। आज थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के बारे में ना। अक्सर क्या होता है कि वॉल्यूम, डेंसिटी, वाटर का कन्वर्जन करना ग्राम से सेंटीमीटर में, केजी से मीटर में, तो आपको दिक्कत में होता है। तो आज मैं वॉल्यूम का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहले देख लूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होता है बाबू? इट इज द स्पेस ऑक्युपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ये नॉर्मल डिफिनीशन है क्या? इट इज द स्पेस ऑक्युपाई बाय एनी सब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, इट इज द स्पेस ऑक्युपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट। एक बात। दूसरी बात, जिन ऑब्जेक्ट के बाद, ऐसा हो सकता है आपके आसपास ऐसा बिल्कुल भी चीजें देखें जिनके पास सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट ही नहीं हो। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होंगे। मतलब मैं कहने का मतलब, जिन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है बाबू, उसको हम लोग 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D ऑब्जेक्ट। तो एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे। दूसरा, द ऑब्जेक्ट विच हैव ऑल लेंथ, लेंथ कॉमा ब्रेथ कॉमा हाइट, मतलब संज्ञान में बोल दू वॉल्यूम, इज कॉल्ड 2D ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका वॉल्यूम का आइडिया। अच्छा, सॉरी, 3D ऑब्जेक्ट। क्या? 3D ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे बाबू, इसमें उसमें क्या होंगे, सिर्फ लेंथ ब्रेथ होगा और उनका सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाला जा सकता, वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। जैसे रेक्टेंगल हुआ, ट्रेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, क्वाड्रिलेटरल होता, स्क्वायर हुआ, रोमबस हुआ, ये सब सारे जो फिगर होते हैं इनको 2D के अंदर कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? 2D के अंदर। लिख दूं, द ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली एरिया नॉट वॉल्यूम कॉल्ड 2D ऑब्जेक्ट। क्योंकि फिजिक्स में आपको ना पहला तो यही आपको समझने की कोशिश किया करवाया जाएगा कि रियली में 2D ऑब्जेक्ट कौन है, 3D ऑब्जेक्ट कौन है, क्या हम लोग सारी चीजों को जो कुछ भी देखते हैं वो क्या 3D है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। या हो सकता है कि वो 3D हो लेकिन अपने को 2D दो ही दिखे। जैसे ये देखिए, ये पेपर है ना, ये पेपर देखिए, इसका लेंथ है, ब्रेथ है और इसका थिकनेस को हम लोग इग्नोर करेंगे। इसके और ये इस लेयर और इस लेयर के बीच में हालांकि 0.9 नैनोमीटर में है, ऑटोमीटर में है, पिकोमीटर में इसका लेंथ है, लेकिन इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो अगर जो मैं पूछू इस पेपर का सिर्फ क्या है? एरिया है। सिर्फ क्या है? एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। तो ये क्या है? 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। इसको थोड़ा सा फाड़ दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसको ट्रेंगल बना दूंगा। तो ये जैसे एग्जाम्पल में मैं दे दूं, एग्जाम्पल में रेक्टेंगल, ट्रेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ETC। और वॉल्यूम का देखूं तो क्या? स्फीयर हुआ, कोन हुआ, हेमिस्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, ठीक है ना? ये सब ठीक है। अब एक होमवर्क आपके लिए है कि इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिएगा और इनके एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। मैं ये आप पे छोड़ता हूं,
होमवर्क में मैं क्या लिख रहा हूं, होमवर्क में ये है बाबू लोग, राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ 2D फिगर एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर विथ फिगर ना। फिगर का मतलब ये नहीं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग लिख लीजिए लेंथ इनटू ब्रेथ, नहीं, उसका एक फिगर भी बना दीजिए, ये ब्रेथ है ये लेंथ ना, तो ये फिगर आप बना के कर लीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दिया रहूंगा और मुझे याद भी रहेगा, जब आप लोग क्लास करने आएंगे तो मैं आपसे देखूंगा कि आपने कहाँ लिखा है। जैसे स्फीयर का होता है 4/3 πr³ इसका। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, जो सरफेस का वॉल्यूम होता है उसका एरिया भी तो होता ही है, उसका क्या है एरिया भी होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्या जिसका एरिया है उसका वॉल्यूम हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लाइन नोट में लिखिए, इट मे बी पॉसिबल और मे बी कह के इट इज पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट विच हैव वॉल्यूम हैव एरिया ऑल्सो, बट द ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली एरिया डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम, डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम, डज नॉट हैव एनी और वॉल्यूम। और एक चीज मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको, एक बात बता दूं, ये लिख लिए ना, एक बात और बता दूं आपको, जैसे ये नॉर्मल अगर जो आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं आया तो देखिए ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये याद रखिएगा। कहने का मतलब अगर जो कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके एरिया में उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा वॉल्यूम। जैसे देखो क्यूब है ना, तो क्यूब का क्या होता है, ऐसे बनाया जाता है, ये सब टेंथ की बातें हो रही है। तो देखो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया क्या इसका, ये हो गया हाइट। तो अगर जो इसका एरिया लिखूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा एल इंटू बी, और इसके हाइट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो गया एरिया, सॉरी ये क्या हो गया एरिया और ये क्या हो गया हाइट, और इन दोनों तीनों को मिला के क्या बन जाएगा वॉल्यूम। अगर जो ये क्यूबॉइड है तो ये हो जाएगा, और अगर जो मान लो कि क्यूब है तो क्या हो जाएगा सब a into a into a, मतलब a क्यूब हो जाएगा। ठीक है ठीक है, याद रखिएगा क्यूब का। अच्छा इसमें पूछता है कि सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया कितना है रे बाबू, इस प्लेट का एरिया ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, पूरे पूरे क्यूब में कितने फेस होते हैं 6, तो कितना एरिया हो जाएगा। अगर जो मैं लिखूं, हालांकि ये सब आप लोग खुद करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर जो मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा 6a² कैसे, इस फेस का देखिएगा ध्यान से, पता नहीं मेरे पास तो है नहीं ऐसा, ये देख लीजिए, ये देखिए ये क्यूबॉइड है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस और एक ऊपर का 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, तो कितना फेस हुआ 6। एक का एरिया a इंटू ए स्क्वायर है ना, क्यूब क्या होता है मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर, क्यूब का अगर जो डिफिनेशन लिखूं तो क्या होता है मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा 6 स्क्वायर। सबसे मोस्ट कॉमन जो आपको आपको फिजिक्स में हर जगह यूज होगा वो होगा स्फीयर, क्या होगा स्फीयर, 95% जो यूज होगा, 95% जो यूज होगा फिजिक्स में वो होता है स्फीयर का ना, तो इसको याद रखेंगे। स्फीयर में वॉल्यूम, स्फीयर एक ऐसे बनता है ना,
अब स्फीयर भी दो टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो ना। अरे फुटबॉल जो है, फुटबॉल क्या है, सॉलिड और हॉलो, और जो क्रिकेट बॉल है वो क्या है, वो क्या है, सॉलिड है मतलब भरा हुआ, सॉलिड मतलब भरा हुआ, और ये हॉलो मतलब खाली, हॉलो मतलब जानते ही हो तुम लोग, खाली। तो ये होता है, तो इसका आप बस याद रखेंगे 95% केस में आपको ये आएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। अच्छा एक चीज और याद कर लीजिए, इसका सरफेस एरिया होता है 4πr² 4πr², इसका सरफेस एरिया ये होता है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ वॉल्यूम के बारे में मोटा मोटा जानकारी कि वॉल्यूम क्या होता है। हाँ एक चीज और देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कभी कभी आता है या नहीं आता है तो भी आप लोग समझते रहिए। डिफाइन 1 लीटर, डिफाइन 1 लीटर। देखिए अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो वो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उसे कहते हैं 1 लीटर। क्या 1 लीटर? क्या इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट having length, breadth, height is equal to 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब उसका लेंथ भी 10 हो, हाइट भी 10 हो और ब्रेथ भी 10 हो, वो भी सेंटीमीटर में, ये भी याद रखना है ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम उस केस में क्या निकालेंगे, ये वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, यानी यानी 10 × 10 × 10, या अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। देखो 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 1000, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है 1 लीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, इतना 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 लीटर इतना होता है, ठीक है, ठीक है। अब इतना ये समझ में आया, फिर से डिफाइन 1 लीटर। 1 लीटर क्या होता है, अगर जो किसी ऑब्जेक्ट का जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को बोलते हैं 1 लीटर। कहने का मतलब, अगर जो मैं बोलूं कि मेरे घर पे टंकी पे 1000 लीटर का पानी है, इसका मतलब उसमें उसका जो लेंथ ब्रेथ होगा सब क्या 10 10, और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 1000 100 का 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे वॉल्यूम के बारे में, क्या क्या याद रखेंगे,
वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू होता है आज के बाद याद रख ले 10³ सेंटीमीटर क्यूब। और अगर जो इसको मीटर क्यूब में लिखा जाना चाहो तो देख लो किधर, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 10⁻², कितना 10⁻²। एज वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। अगर जो अभी तक नहीं आया तो दिक्कत है आपको, आप करिए। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 मीटर, यही होता है ना रे बाबू, 1/100 मीटर या 10⁻²। तो इसमें अगर जो करोगे तो देखो कैसे होगा, और करना सीखो, नहीं आ रहा है तो भी सीखो। 10³ और इसको करूंगा 10⁻²। मीटर का क्या कर दूंगा, क्यूब, क्या कर दूंगा, क्यूब, क्योंकि मैं सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया, 10⁻²। मीटर क्या लिखा, 1 से 10⁻²। मीटर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10³ × 10⁻⁶ मीटर क्यूब, या 1 लीटर इज इक्वल टू आ जाएगा −63 × 10³ मीटर क्यूब। ये याद रखेंगे, या इसी को कहीं कहीं कोई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 या 0.001 मीटर क्यूब। बात सब एक ही है, आप ये याद रखेंगे। ये सर इसको रटने की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि ये बार बार यूज नहीं होगा, लेकिन जहां यूज होगा वहां आपके खोपड़े हिला देगा, वो आपके क्वेश्चन के सोचने का तरीका हिला देगा, ठीक है ना। और आप ये सब चीजें, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। और देखिए ये सब बहुत, अगर जो आपको आ रहा है तब तो थैंक यू वेरी मच, आप कुछ ना कुछ जानते हैं। अगर जो नहीं आ रहा है तो सीखने की कोशिश करिए, ताकि जब हम लोग आपस में इंटरेक्ट हो पाए, जब हम लोगों का फेस टू फेस मैच हो, तो जो मैं आपको पढ़ाऊं, जहां तक आपको पढ़ा के ले जाना चाहूं, वहां तक आप आसानी से जा सके विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि आपकी छोटी छोटी बातें। देखिए फिजिक्स लोग कहते हैं कि कठिन है, मेरा मानना है, बेसिकली आई एम नॉट सेइंग लाइक एज ए फिजिक्स टीचर, मैं नॉर्मल लेमैन की तरह मानता हूं कि फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दुनिया को समझने और कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, वो समझने की कोशिश करवाता है, समझाने की कोशिश करता है। इसलिए फिजिक्स आपको इंटरेस्ट होगा जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। आप अब आ जाइए, मैं पढ़ाता हूं डेंसिटी, क्या पढ़ाता हूं, डेंसिटी। डेंसिटी पढ़ा था ना। डेंसिटी क्या होता, डेंसिटी को देखिएगा, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो हो गया फॉर्मूला। लेकिन अगर जो डेंसिटी का फील करना है तो ऐसे सुनिए, 1 मीटर क्यूब में कितना मास ऑक्युपाई होता है वही उसका डेंसिटी होता है। लिख लीजिए, इट इज द मास, लिखिए डेंसिटी का डिफिनेशन, लिखिए इट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। कहने का मतलब, अगर जो मैं ऐसे कर दूं, ये स्क्वायर है, मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है मान लो 12 सेंटीमीटर क्यूब, 12 मीटर क्यूब कर लो, तो 12 मीटर क्यूब करूंगा, तो इसके मान लीजिए 1 मीटर में ये वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब में जो मास ऑक्युपाई होगा, बाबू वही क्या कहेगा, कॉल्ड इट्स डेंसिटी, ठीक है। ये बात आपको बार बार आएगी,
ये बातें समझने की बार बार आएगी। जैसे देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या मतलब हो गया कि एक सेकेंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। एक सेकेंड में चला डिस्टेंस जो कवर किया जाता है उसी को स्पीड कहते हैं। ये नॉर्मल है। तो ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन वाला, इसको आप समझने की कोशिश कर लिया कीजिए। फिर से, जैसे फोर्स इक्वल टू होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब एक मीटर क्यूब, एक मीटर स्क्वायर एरिया में जितना फोर्स होता है वही होता है प्रेशर। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक मीटर एरिया में जितना फोर्स लगता है वही होता है प्रेशर। एक सेकेंड में जो बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही होता है स्पीड। एक मीटर क्यूब में जिस बॉडी का जितना मास होता है वही होता है उसकी डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। और इसको बाबू बोलते हैं रो। साइन भी याद रखे रहिए, इसको क्या बोलते हैं? रो। ठीक है। अच्छा, अब ज्यादातर आपको बात डेंसिटी से जो डील करने को आएगी वो आएगा वाटर का। क्या आएगा? वाटर का। तो वाटर का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे क्या क्या होता है। आज मैं लिखवा दे रहा हूं डेंसिटी ऑफ वाटर। एक मैं लिखवाऊंगा और आप कर लीजिएगा। एक लिखवाऊंगा और आप पूरा कर लीजिएगा। देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बाबू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखिए, यूनिट को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब इसी को कन्वर्ट करना है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, इसी को अगर जो कन्वर्ट करूंगा कहां पे, केजी पर मीटर क्यूब में अगर जो कन्वर्ट करूंगा, ये क्या है? सीजीएस यूनिट है। ग्राम सेंटीमीटर क्या बताया था? सीजीएस। अगर इसको एसआई यूनिट में चेंज करूंगा तो आप बताइए, ग्राम को एसआई यूनिट में लिखना होगा, केजी भाई एसआई यूनिट में क्या होगा? ग्राम किसमें कन्वर्ट होगा? ग्राम कन्वर्ट होगा केजी में, और सेंटीमीटर कन्वर्ट होगा किसमें? कन्वर्ट किसमें होगा? किसमें? मीटर में। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं करने जा रहा हूं। 1 ग्राम, तो ये होता है 1 ग्राम = 10^-3 kg। लिखवाया हूं, और नहीं लिखवाया हूं तो आप समझ जाइए, ये लिखवाया था। हालांकि वो, अरे ऐसे देखना, देख गए कहीं का 1 kg = 1000 ग्राम, देन 1 ग्राम = 1/10^3 ग्राम, सॉरी केजी। तो 1 ग्राम = कितना हो जाएगा? 10^-3 kg। याद रखिए, रटिए, कुछ भी करिए, आप रटते रहिए, हमेशा आएगा। यूज ऑलवेज। जैसे दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 200 ग्राम है और वो इतनी स्पीड से जा रहा है। बोल देगा कि एक ऑब्जेक्ट मान लो 400 मास का है और वो इतनी स्पीड से जा रहा है, तो उसमें आप लोग को कैलकुलेट करना चाहिए, तो ये आपको आना चाहिए। 1 ग्राम = 10^-3 kg। अब देखिए, और सेंटीमीटर को मीटर तो यहां मैं चेंज कर रहा हूं, ये सब लिख लो, यहां मैं चेंज करने जा रहा हूं। देखिएगा, 1 ग्राम का हो जाएगा 10^-3 kg अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब को क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10^-2, तो हो जाएगा 10^-2 m³। तो ये हो जाएगा 10^-3 kg, 10^-6 m³। यानी इसको इधर ले जाओगे तो 10^3 kg/m³। यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब होता है 1000 kg/m³। ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी टीचर बोलते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उसको 1 ले लो, तो हालांकि उसको गलत बोलते हैं, उनको पूरा मेंशन करना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 kg/m³ होता है। देखिए, 1000 kg/m³ होता है।
ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक और आता है, जैसे अगर जो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी, तो आप कर लेंगे ना। देखो जैसे मान लो पहला ऑप्शन है 500 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है ग्राम को या तो जी लिखते हैं या तो जीएम लिखते हैं ना, ग्राम को कहीं कहीं बुक में या तो जी लिखा रहेगा या जीएम लिखा रहेगा, मैं दोनों यूज करूंगा, आप ध्यान में रखिएगा। 500 ग्राम, 700 ग्राम, सी 1400 ग्राम, डी 200 ग्राम। इसको सॉल्व करिए तो देखिए क्या करना है, मैं फिर से वही करूंगा, हालांकि आपको करने आना चाहिए। 500 × 10⁻³ kg, यानी इसका क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻²× 10⁻³ kg, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻¹ kg, यानी 0.5 kg, या इसी को क्या कहते हैं, हाफ के जी। देखिए 500 ग्राम को क्या कहते हैं, आधा के जी कहते हैं ना। देखिए अच्छा सर, ये सब क्या कर रहे हैं, इतना पचड़ा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर दे रहे हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड ये लिख लीजिएगा, आप ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। एक काम करिए ना सर, 1000 से डिवाइड कर दीजिए ना तो अच्छा रहेगा। ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, देखिए ये 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम है तो इसको क्या करेंगे, 500 × 1000 kg। देखिए इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1/2 या 0.5 kg। लेकिन ये बार बार करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, आप ये करते रहेंगे ठीक है। जैसे इसका अगर जो आप लोग करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.7 kg, ये कितना हो जाएगा 1.4 kg, और ये कितना हो जाएगा 0.2 kg। सॉल्व करिए, करते रहिए, ये टेंडेंसी लाइए, ऐसे लिखने की टेंडेंसी लाइए, और ऐसे नहीं करेंगे हमेशा। आप ध्यान में रखिए, जिन जीवन काल में ये यही नहीं बात हो रहा है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा कष्टदायक होता है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन से ज्यादा कष्टदायक होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे, हमेशा मैथ का ऑपरेशन चूज करना हो और आपके पास रास्ते हो तो आप हमेशा डिवीजन अगर जो हो, मल्टीप्लीकेशन हो तो मल्टीप्लीकेशन को चूज करिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे से आए। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन को चूज किया है, और यहाँ पे मैंने किसको चूज किया है, डिवीजन को चूज किया है, इसमें क्या चूज किया है, डिवीजन चूज किया है, और इसमें कौन सा ऑपरेशन चूज किया है, मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन चूज किया है। मतलब मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, ताकि आप समझिए कि फिजिक्स में कोई क्वेश्चन को मल्टीप्लीकेशन से डील कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन को आप डिवीजन से डील कर सकते हैं, कहने का मतलब। और बात एक ही होता है, बात क्या होता है, एक ही होता है। जैसे कुछ बताता हूं तुमको, ये मिटा लीजिए, तो इसका मतलब आज के बाद मैं जान गया क्या, ये जाना कि क्या जाना भैया, ये जाना कि 1 L = 10³ cm³, 1 L = 10⁻³ या 1 L = होता है 1 kg, ये भी याद रखेंगे। अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर देखा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का होता है 1 g/cm³, डेंसिटी ऑफ वाटर kg/m³ में होता है 1000 kg/m³। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट अलग अलग है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिए, 1 ml = 10⁰ cm, ये ऐसे करेंगे। देखिए इधर देखिए, जैसे 1 L = होता है 10³ cm, यही होता है ना सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर जो मैं लिखूंगा
तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/10^3 लीटर। इसी को क्या लिख सकता हूं, 10^-3 लीटर, ये होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 10^3 क्या होता है, मिलीलीटर। अरे भैया बताया था 10^9 क्या होता है, नैनो। 10^-3 क्या होता है, मिली। बताया था 10^-2 क्या होता है, सेंटी। 10^-6 क्या होता है, माइक्रो। बताया था ना, तो 10^-3 को क्या लिख सकता हूं, नैनो। क्या लिख, ml, मिली। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर या 1 ml। और एक चीज और देखिएगा ध्यान से, इसके और इसके बीच में एक लाइन का, एक एक का गैप है। ये सब भी याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, बता दे रहा हूं, लिख लीजिए ये बात बहुत याद रखेंगे। ये 1 लीटर इक्वल टू 1 kg, 1 लीटर इक्वल टू 1 kg। क्यों? क्योंकि ये SI यूनिट है मास का, और ये मान लो प्रैक्टिकल यूनिट है। ये लीटर उटर क्या है, ये लीटर, लीटर जो होता है वो क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ग्राम, चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 g। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, लिख ली। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब चीजें। तो मैंने क्या क्या पढ़ा, मैं जो पढ़ा उसको देख लूं। हाँ ठीक है, काफी कुछ है समय। तो मैंने डिस्कस किया क्या डेंसिटी के बारे में, मेनली अपने को क्या याद रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10^3 cm³। एक दूसरा, 1 लीटर इक्वल टू 1 kg लिखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ग्राम होता है। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ना? और डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब होता है 1000। ठीक है, ये बात 5 याद रखेंगे। क्या हेल्प होगा, हेल्प इन यूनिट कन्वर्जन। ठीक है बाबू, हेल्प इन यूनिट कन्वर्जन। हेल्प इन यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा अब आप लोग क्या करिए कि कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन करके आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को ज्यादा करने की कोशिश करिए, ताकि आपका जो बना रहे, जो कंफ्यूजन रहे या जो कॉन्फिडेंस रहे वो बना रहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, और उस क्वेश्चन को आप लोग खूब ट्राई करो। खूब ट्राई करने का इन द सेंस 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, जब तक आपको नहीं आए आप लड़िए और करने की कोशिश करिए। तो एक क्वेश्चन मैं लिखवा दूं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, द वेवलेंथ ऑफ लाइट
इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6400 एंगस्ट्रॉम एक्सप्रेस दिस इन माइक्रोन एंड मीटर एक्सप्रेस दिस इन माइक्रोन एंड मीटर एंड मीटर। वीडियो को पॉज करिए, सफिशियंट टाइम लीजिए और कर डाल मेरे बच्चे, और कर डाल। और मैं कर रहे, अब मैंने माना कि तुमने कर लिया है, मुझे क्या करवाना है, कन्वर्ट करना है क्या रियली में। कन्वर्जन सीख रहे हैं हम लोग ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। बेसिकली हम लोग क्या सीख रहे हैं, यूनिट का कन्वर्जन सीख रहे हैं। जैसे क्या है, 6400 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले करना है माइक्रोन में और दूसरा करना है माइक्रो, चाहे माइक्रोन एक ही बात होता है, और एक होता है क्या मीटर में। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये भी कर लीजिएगा, नैनोमीटर में कर लीजिए, नैनोमीटर में दो क्वेश्चन कर लीजिए। मैं कर रहा हूं, देखिए पहले मैं क्या करूंगा, पहले सबको मीटर में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एज वी नो वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। और ऐसे क्वेश्चन को डील करने ना है ना, ऐसे क्वेश्चन को डील करना करने है, तो इन दोनों को अलग अलग लिखे। कैसे लिखेंगे, 6400 इंटू वन एंगस्ट्रॉम। क्या गलती लिखा क्या, यही तो वहां पे भी लिखा है, क्या दिक्कत है भैया, यही बात तो वहां पे लिखा है। अब देखिए ये हो जाएगा 6400 एंगस्ट्रॉम को मीटर में करिए तो हो जाएगा 10^-10 मीटर। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 4 × 10^2 × 10^-10 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10^1 माइनस का। और हमेशा क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने पढ़ा है, अगर जो नहीं पढ़ा है तो याद करिए कि हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के बाद एक डिजिट ही आना चाहिए। तो ये रियल में हो जाएगा 6.4 × 10^3 × 10^-8 मीटर, या 6.4 × 10^5 मीटर। ये किसमें चेंज किया, मीटर में, किसमें चेंज किया, मीटर में। अब मैं माइक्रोमीटर में करने जा रहा हूं, तो फिर से वही 6400 × 1 एंगस्ट्रॉम। इसको किसमें कन्वर्ट किया, 6 × 4 6 × 10^2 × 10^-10 मीटर हो गया। क्या हो गया, मीटर। क्या होगा, मीटर। तो एक बात बताओ, एक माइक्रोमीटर इक्वल टू 10^-6 होता है। भाई भाई मैं बताया था आप लोगों को, याद करिए, याद करिए तभी कुछ होगा। 1 μm इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, 10^-6 मीटर। इसका मतलब इसको देखो तो, मैं इसमें कलाकारी करूंगा तो ये कर सकता हूं क्या, 10^-8 मीटर हो गया। ये हो जाएगा 64 × 10^-2 × 10^-6 मीटर। देख तो क्या गलत लिखा हूं, क्या गलत लिखा हूं मैं बाबू, मैं गलत लिखा हूं। देखिए तो मैं 10^-8 को ये नहीं लिखा। सर ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 10^-6 मीटर को मैं क्या लिख दूंगा, 1 μm। क्या लिख दूंगा, 1 μm। तो मैं लिख दूंगा भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो हो जाएगा 64 × 10^-2 × 1 μm। या इसको अब लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको 10^-2 को नीचे लिख सकते हैं ना, अगर जो ना आए तो, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता माइक्रोमीटर, या 0.64 μm। ये भी आंसर सही है, और अगर जो आप यहां पे लिखते हैं तो ये भी आंसर सही है ना, बोथ आर करेक्ट। मतलब 6.4 × 10^-5 मीटर हो गया।
64 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 0.64 माइक्रोमीटर हुआ, ठीक है। अच्छा नैनोमीटर में करते हैं। इसी तरह मैं चाहूं तो 50 क्वेश्चन इसी तरह दे सकता हूं। रे बाबू मिटाऊ क्या, देखिए नैनोमीटर में करने की पहले क्या करना है, स्टेप याद कर लो। पहले कोई भी यूनिट दिया हो, कोई भी दुनिया का यूनिट है, उसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। ये पहला स्टेप नोट में याद रखो, लिखिए हिंदी में लिखिए, ज्यादा कलाकारी ज्यादा दिमाग वाला नहीं बनेगी, लिखिए। यूनिट कन्वर्जन में, यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले, यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले, सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले, सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए। देखिए मैंने पहले किस में कन्वर्ट किया, एसआई यूनिट में, फिर बाद में सोचेंगे। ये लिख लीजिए, टू कन्वर्ट एनी गिवन क्वांटिटी इन अनदर यूनिट, देन फर्स्ट वी विल मस्ट हैव टू चेंज दैट यूनिट इन एसआई यूनिट, देन आफ्टर दैट वी विल थिंक अबाउट दैट, दैट हाउ वी विल कन्वर्ट दैट क्वांटिटी इन नैनोमीटर, इन एंगस्ट्रॉम, इन पिकोमीटर, इन एटोमीटर, इन मिलीमीटर, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है। अब देखिए नैनोमीटर का देखते हैं, तो फिर से मैं वही करूंगा, 6400 एंगस्ट्रॉम, या 6400 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम, या 6400 इंटू 10^-10 मीटर। अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर, ये मैं जानता हूं। तो देखो मैं चुपके से ये लिख दूंगा, क्या 6400 इंटू 10^-1, 10^-1 ये हो जाएगा 10^-9 मीटर, देख ले बाबू। और 10^-9 मीटर को क्या कर सकता हूं, नैनोमीटर, क्या लिख सकता हूं रे बाबू, नैनोमीटर। तो हो जाएगा 6400 10^-1 इंटू 1 नैनोमीटर, शर्माइए मत, जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम लिखने की जरूरत नहीं, 1 नैनोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 10 के, इसको ध्यान में रखना, इसमें से ये पावर घटाएगा, इसको अगर जो और अच्छे से लिखेगा तो 6400 इंटू 10 इंटू 1 नैनोमीटर, या 10 से 10 मतलब 6400 नैनोमीटर, ये आंसर है 640 नैनोमीटर। अब आप उसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके देखिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन, इसी को किस में कन्वर्ट करिए, मिलीमीटर में करिए, तो मिलीमीटर में आपको याद भी हो जाएगा। फिर से मेरे साथ बोलो, नैनो में 9, नैनो में 9, माइक्रो में -6, मतलब नैनो में -9, माइक्रो में -6, मिली में -3, सेंटी में -2, पीको में -12, जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरह बोलेंगे, उसी तरह याद करेंगे। मिलीमीटर में करिए, मिलीमीटर में करिए, तो कुछ नहीं, फिर से मैं वही करूंगा, फिर से वही करूंगा, क्या 6400 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 6400 इंटू 10^-10 एंगस्ट्रॉम। अब देखो 1 एंगस्ट्रॉम नहीं दिख रहा हूं, अच्छा मिलीमीटर में करना है, ये सॉरी मीटर में, तो मैं क्या करूंगा, 6400 इंटू, देखना, 10^-7 इंटू 10^-3 मीटर, देख दो, देख क्यों बाबू, क्योंकि 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10^-3 मीटर, या इसी को बोलते हैं 1 mm, ये साइन है, ये क्या सिंबल है। तो इसका मतलब, इसका मतलब 10^-3 मीटर को एमएम लिख दूंगा चुपके से, तो चुपके से लिख दे, तो ये जाएगा 6400 इंटू 10^-7 मिलीमीटर। और इसको और सॉल्व करिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10^3 इंटू 10^-7 mm, और ये -3 10^4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10^-4 mm, ये यूनिट का कन्वर्जन हुआ। ऐसे तमाम क्वेश्चन आएंगे आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए, एक ग्राम से केजी में करने सिखाया, एक ये तरीके का करवाया।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। हाउ मेनी माइक्रोन इन वन लाइट ईयर? थोड़ा सा खांसी है तो आप लोग उसको एडजस्ट करिएगा। हाउ मेनी माइक्रोन इन वन लाइट ईयर? ठीक है, तो ठीक है। आई थिंक इट इज सफिशियंट इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक विद सम न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।